सो हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस राइडर पार्ट्स ऑफ एंड आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हंटर 350 के ऊपर वीडियो है। क्या वीडियो? आप तो पिछले वाले अगर वीडियो देखो तो आपको पता है GT 650 का मैं हेडलैम्प, पूरा हेडलैम्प का जो सेट होता है वो मैं इंस्टॉल किया था। उसके साथ इंडिकेटर भी मैं हंटर का इंस्टॉल करने के लिए सोचा था लेकिन नहीं हो पाया था, उसका पैच छोटा था। उसके वजह से मैं फिर से जो GT 650 का स्टॉक वाला इंडिकेटर है वो मैं खरीद के लेके आ गया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ पे ही है, ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स होता है उसमें से ही मैं खरीदा हूँ, कोई लोकल डुप्लीकेट वाला नहीं है। MRP प्राइस भी एक बार दिखा दे रहा हूँ, दोनों का ही सेम है, एक एक करके है। 322 रुपीज़ इसका MRP है और एक जो है राइट साइड का इसका भी 322 रुपीज़ MRP है। टोटल मिला के आप बोल सकते हो 644 रुपीज़ लगा है इंडिकेटर को खरीदने के लिए। स्टॉक इंडिकेटर है, अभी खोल के एक बार दिखा देता हूँ। मेरा बाइक उधर ही है, आप देख सकते हो बाइक, मतलब आने के टाइम में वीडियो करने के लिए सोचा था, थोड़ा जल्दी में था उसके वजह से भूल गया था, नहीं तो बाहर अच्छे से एक बार दिखा देता। सो क्या ही कर सकता हूँ, अभी आपको इंडिकेटर दिखा दे रहा हूँ। गाइस देख सकते हो कुछ ऐसा आता है, सिर्फ कबलट टू कबलट फिट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर एक ब्लॉक है। सो इसमें से ही वो जो GT 650 का हेडलैम्प है, हेडलैम्प के साइड पर जो क्लैम है उसमें लाएगा। गाइस लुक देख सकते हो, क्रोम ट्रीटमेंट में ही आता है एंड फ्रंट पर येलो शेप में आपको कवर देखने को मिलता है, इंडिकेटर कवर, एंड पीछे के तरफ ब्लैक कलर का शेप में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ कबलट टू कबलट फिट है। सो एक और एक भी मैं दिखा देता हूँ, सेम ही है। सो फिर भी एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख लो गाइस कुछ ऐसा इसका लुक है। GT 650 का जो ओरिजिनल इंडिकेटर है वही है, कोई लोकल डुप्लीकेट वाला नहीं है भाई। प्राइस भी मेरे हिसाब से भाई कम ही है, रॉयल इनफील्ड का जो कंपनी का इतना कम प्राइस में मेरे हिसाब से तो भाई सही है। GT 650 के हिसाब से देखा जाए तो भाई सही है। सो चलो अभी सीधा जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, इसको इंस्टॉल करते हैं, देन देखते हैं कैसा लुक निकाल के आ रहा है। आपको अच्छे से एक बार सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा, आप देख के कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी ये सर्विस करना चाहते हो तो मेरे शॉप से ही हो जाएगा, स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो, बुक कर सकते हो। कोलकाता के आसपास से बिलोंग करते हो तो मेरे शॉप पे भी आ सकते हो, शॉप का जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा। सो आके भी ये सारी चीज़ करा सकते हो, एक बार कॉल करके पूछ लेना है कि नहीं, मतलब अवेलेबल तो अभी नहीं है, अगर आप ऑर्डर करोगे तो भाई मिल जाएगा कुछ दिन बाद। सो बस चलो अभी मैकेनिक के पास जाता हूँ, उसके पहले एक बार बाइक का हेलमेट दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो अभी इंडिकेटर वगैरह नहीं इंस्टॉल होके रखा है। और एक चीज़ मैं अभी चेक करके देखा हूँ कि ये जो चीज़ है ये उल्टा इंस्टॉल हुआ है, ये इधर साइड पे जाएगा, इधर साइड पर जाएगा, और ये जो चीज़ है ये इधर साइड पे आएगा। टैंक के स्पूट बिल्कुल सीधा होता है लेकिन ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसको मेरे को घुमाना पड़ेगा फिर से एक बार, ऊपर का सारे चीज़ खोलना पड़ेगा। एंड इंडिकेटर यहाँ पर बैठेगा, नहीं तो अच्छे से इंडिकेटर भी नहीं बैठ पाएगा, उसके वजह से बोल रहा हूँ ये लॉक है, लॉक की सबसे बैठाना पड़ेगा। फ्रंट से कुछ ऐसा लग रहा है, इंडिकेटर इंस्टॉल होने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है गाइस। सो चलो अभी मैकेनिक के पास जाके आपको दिखाता हूँ गाइस, बाय।
गाइस, अभी जो सारा काम था आप बोल सकते हो इंडिकेटर इंस्टॉलेशन का, जी टी 650 का इंडिकेटर इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था सारे चीज़ कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंस्टॉलेशन का जो क्लिप्स था वो मैं टाइम लैप्स करके आपको दिखा दिया हूँ। सिर्फ ये दो इंडिकेटर इंस्टॉल हुआ है एंड फ्लाजर किट इंस्टॉल हुआ है, उसके वजह से आप देख सकते हो फ्लाजर किट का जो काम है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्विच है फ्लाजर किट का, एक बार दिखा दो, यहाँ पर फ्लाजर किट का गाइस स्विच है। सो ये अगर मैं ऑन ऑफ करूँ तो चेंज होगा, इधर साइड पर दिखा दो, चेंज करके करके दिखा देता हूँ। मॉक्सी फ्लाजर किट इंस्टॉल किया हूँ, 16 पैटर्न है इसमें। सो देख सकते हो गाइस बहुत सारा पैटर्न है इसमें, आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। मॉक्सी फ्लाजर किट का आपको प्राइस पड़ेगा 220 रुपीज़ एंड स्विच मैं इंस्टॉल किया हूँ 200 रुपीज़ का। टोटल आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बस वही लगा है एंड मैकेनिक चार्ज लगा है, उसके अलावा और भी और कुछ मैं नहीं इंस्टॉल किया हूँ। इंडिकेटर इंस्टॉल हुआ है एंड हाँ, ये पूरा उल्टा था, इधर का उधर चला गया था, उधर का इधर चला गया था, वो पूरा बार फिर से खोल के चेंज किया हूँ। सो देख सकते हो अभी बिल्कुल सीधा हो गया है, टैंक के साइड से अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल टैंक के साथ अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल सीधा है, पहले ऊपर की तरफ था। सो ये चीज़ भी पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब आप बोल सकते हो हेडलैम्प का जो काम था, जो प्रोसेस था हेडलैम्प एंड इंडिकेटर का, सारे चीज़ पूरा कंप्लीट हो गया है इस बाइक में। और कुछ भी फ्रंट में काम वगैरह नहीं है अभी, मतलब बोल सकते हो चलाने के लिए आप बोल सकते हो। सो बाद में तो मैं LED इंस्टॉल करूँगा, सो अभी तो हैलोजिन इसको रहने देते। कुछ भाई लोग बोल रहे कि भाई LED इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था जो ओरिजिनल GT650 में आता है वो वाला। सो उसके वजह से ही मैं हैलोजिन इंस्टॉल किया हूँ, लेकिन बाद में ये भी मैं चेंज करके LED कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अभी हैलोजिन का मजा लेते हैं, देन उसके बाद LED इंस्टॉल करूँगा फिर से, उसका भी आपको लुक कैसा है दिखा दूंगा किसी ना किसी एक वीडियो में, तो आपको देखने को मिल जाएगा लुक। एक बार दिखा रहा हूँ, बारिश के मौसम में पूरा भीग गया हूँ। सो फिर भी जितना हो पा रहा है छोटा सा एक वीडियो है इंडिकेटर इंस्टॉलेशन का एंड मॉक्सी फ्लाजर किट इंस्टॉलेशन का आपको प्रोसेस दिखा दिया हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो इंडिकेटर आप ऐसे नॉर्मल में भी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो गाइस। एंड इधर साइड का भी एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हो। एंड जो हैजार्ड है, हैजार्ड भी मैं ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। इंडिकेटर का जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 15 अगस्त को मैं जा रहा हूँ डानकुली टोल प्लाजा के उधर, जो राइडर अवेयरनेस का जो कैंपेन हो रहा है वहाँ पर। सो अगर आप भी आना चाहते हो तो भाई आना, हंटा 350 लेके मैं जा रहा हूँ। मेरा सब्सक्राइबर हो तो भाई जरूर से मिलना, अगर पहचान पाओगे तो, मतलब कहीं पर देखने को मिलेगा तो हंटर कैसा कुछ मॉडिफिकेशन होकर रखा है आपके सामने रहेगा, आप देख लेना एंड मेरे साथ भी थोड़ा बातचीत कर लेना, मेरे को अच्छा लगेगा। सो बस कल ही जाऊँगा, उसके वजह से ही मैं इंडिकेटर इतना जल्द इंस्टॉल किया हूँ। सो नहीं तो भाई अगर कोलकाता की तरफ जाऊँगा तो भाई पुलिस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिकेटर अगर नहीं रहेगा तो। सो उसके वजह से एंड हाँ गाइस, ये जो बाइक आप देख रहे हो इसका जो फ्रंट का लुक अभी मैं किया हूँ GT650 के तरह लग रहा है कि नहीं, मेरे को जोर से कॉमेंट करके बताना। लगभग मेरे हिसाब से तो भाई धूप से अगर देखोगे तो आपको GT650 के जैसा ही लगेगा, सिर्फ यहाँ पर मीटर कंसोल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो RPM मीटर होता है वो। गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना GT650 के जैसा लग रहा है कि नहीं मेरा जो बाइक का फ्रंट का लुक है। यहाँ पर सिर्फ RPM मीटर अगर मैं इंस्टॉल कर दूँ तो पूरा ही GT650 के जैसा हो जाएगा। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहा था GT650 का मीटर इंस्टॉल करने के लिए, देखते बाद में मैं देखूँगा। अभी तो सोच रहा हूँ कि एक जो RPM मीटर होता है वो इंस्टॉल करने के लिए सोच रहा हूँ, तो देखते हैं लेक्सी क्या होता है। चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन को भी ऑल में प्रेस करके रखना, हंटर के ऊपर बहुत सारा वीडियो आएगा भाई मॉडिफिकेशन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। एंड हाँ, कल मैं 15 अगस्त को जा रहा हूँ, 15 अगस्त 2024 है भाई। सो मैं जा रहा हूँ डानकुनी टोल प्लाजा के पास, जो आप बोल सकते हो राइडर अवेयरनेस का एक कैंपेन हो रहा है वहाँ पर ही जा रहा हूँ। RCB के तरफ से जो हो रहा है राइडर अवेयरनेस का जो कैंपेन, तो वहाँ पर जा रहा हूँ। अगर आप लोग भी भाई आना चाहते हो तो भाई आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आके मेरे साथ मिलना है। बाइक भी अगर देखना चाहते हो तो भाई आपको देखने को मिल जाएगा। हंटा 350 में बहुत सारा मॉडिफिकेशन अभी भी और बाकी है, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, जितना हो रहा है आपको दिखा रहा हूँ और जितना होगा आगे जाके वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। सो चैनल पे नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस करके थोड़ा पैर दिखाना भाई, यही सिर्फ चीज़ मैं आपको मतलब बोल रहा हूँ। एंड हाँ, लाइक करके वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके एंड कॉमेंट करके बताना आपके आपका जो फीडबैक है वो शेयर करना। एंड किसी भाई लोगों के पास हंटा 350 है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करके दिखा सकते हो। सो बस यही था बोलना था, आपको बता दिया हूँ 15 अगस्त कल मिल रहा हूँ, अगर आप लोग आना चाहते हो तो भाई
आ जाओ। ऐसे ही रैंडमली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि छोटा मोटा चैनल है, फिर भी कोई अगर उधर आते हो RCB का जो राइडर अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है वहाँ पर आ जाना, मिलना मेरे साथ, मेरे को अच्छा लगेगा। एंड बाइक ये हंटर 350 लेके ही जा रहा हूँ। तो बस यही था कुछ वीडियो, कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताना। एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना माय चैनल पर इस राइडर पर। एंड हाँ, जरूर से कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये सारा मॉडिफिकेशन, अच्छा बुरा भाई कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कैसा लग रहा है ये फीडबैक देना बस। तो बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर। तो बाय।